गाइस नए मतलब पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से होती है पार्ट टू। और इसको देखो, इसको इसका चेहरा तो आपको याद ही होगा। इसी चीज़ की वजह से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे और चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। प्यास लगी थी हम लोग को थोड़ी सी, तो मैंने पास में जो भैया है उनसे पूछा कि ये पानी पीने का है, तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये पानी प्योर है कि नहीं, हम पी सकते कि नहीं। वैसे भी यार पहाड़ का पानी शुद्ध ही होता है, सो पानी पीने आ रहे हैं हम लोग। बाकी ये देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी करके पानी आ रही है, थोड़ी थोड़ी करके। बट कभी साला लैंडस्लाइड ना हो जाए बड़ो। बाकी यार ट्रैफिक तो नेक्स्ट लेवल है साले। चूतिया ने पता है क्या करवाया, मतलब रनिंग सूट से। अच्छा साले रनिंग सूट में ट्रैकिंग करवा रहा है मेरे से। वो देखो झरना, मतलब छोटा सा वाटरफॉल है। और बाकी इस साइड का डायरेक्शन देखो। मैं ब्लॉग बनाने दे यार, ले रहा हूँ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है यहाँ का, मतलब थोड़े थोड़े से पानी आ रहा है और पानी काफ़ी प्योर लग रहा है मुझे। पहाड़ से आ रहा है तो प्योर ही होगा। एंड गाइस बहुत सही है यहाँ का। गाइस मैं कैमरा माउंट कर देता हूँ कहीं पे ताकि व्यू आ जाए अच्छे से। ओके गाइस, तो पानी यहाँ का काफ़ी मीठा है, मतलब समझ ही रहे हो पहाड़ का पानी कितना मीठा होता है। और एक तरह से ये नेचुरल वाटर है, बहुत सही लग रहा है। डर के मारे हालत ख़राब है मेरा और ये बोल रहा है चढ़ने के लिए। गाइस डर इसलिए लग रहा है, साले उसका जूता देखता है, ट्रैकिंग वाले शूज होते हैं, और मेरे शूज देख, मेरे देखेगा ना, मेरे रिपटते हैं साले। 500 वाले शूज है रनिंग वाले। मरवाएगा कभी एक दिन, देख रहे हो ये पैर इतना सुंदर है। वो देख दिख रहा है तुझे कितना ऊपर है। अब चलो ऊपर चल, चल मैं फोटो देख लूंगा तुझे। नेटवर्क नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। भाई ट्रैकिंग ऐसे नहीं होती है यार। चलो अभी चलते हैं, पता नहीं साला कहाँ पर लेके जाएगा ऐसे ऐसे करके। कैसे चढ़ेगा ऊपर? फोन को रख ले जेब में, ठीक है मैं चढ़ा दूंगा तुझे। अभी और ऊपर है भाई, फट जाएगी यार चढ़ने में। अगर रास्ता भटके ना तो लग जाएंगे फिर। अरे गूगल मैप है ना, क्योंकि नेट काम कर रहा है तेरा? नहीं करना। गाइस बहुत टिका टिका के चढ़ रहा हूँ, स्लाइड ना हो। भाई सीधा तू जा पहले, मैं बाद में आता हूँ। वो सुधी के बड़ा वाला मत फेंक। सिद्धार्थ ऊपर नीचे रह, नीचे चल, ये सेफ नहीं है भाई। इधर से जाना सेफ नहीं है यार ये जगह। हट हट नीचे से, नीचे से। ये बड़ा वाला रसीदी का। अब मैं कहियो इडियो में साले वहां से निकल, निकल तू वहां से निकल। ये जगह सेफ नहीं है भाई। देख रहे हो गाइस लैंडस्लाइड। देखो ये साला चूतिया मरवाएगा मुझे कैमरे में। एक दिन ऐसे कर। देख रहे हो गाइस, अबे भोसड़ी के तेरी तरफ है। साला मरवाएगा कभी एक दिन भाई। हम पहाड़ के कितने ज्यादा पास हैं भाई, मेरी फट रही है। तू बोल रहा है पहाड़ के, यही चीज है दिक्कत करने वाली। मैन
जहाँ कम प्यार से हो सकता है वहाँ तो भाग रहा है। नहीं भाई वापिस चलते उधर से, मेन रोड से चलते। नहीं जा रहे भाई मैं इधर से, नहीं जा रहा भाई मैं। भाई ये सारा हम यहाँ से जा सकते हैं यहाँ। भाई ये देख ये सारा पत्थर लैंडस्लाइड वाला है, गलती से भी स्लाइड हुआ। अरे नहीं जा, नहीं तू जा, बात सुन तो तू जा, तू जा देख इधर फिर इधर, ठीक है फिर हम और ऊपर वाले झरने में पहुंच जाएंगे। नीचे से चलते हैं, रास्ता जा रहा है समझ रहा है ना, सच में चले। हाँ रास्ते से चलते हैं। अरे यार झरने का पानी तो पी ले, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मेरे शूज भी उतने अच्छे नहीं है। एंड गाइस अगर तुम मेरे शूज पहनेगा ना ये हटाना पड़ रहा है गाइस, देख रहे हो साले के चक्कर में पूरा खतरा हो गया, तो और हो गया कैसे आया साले मेरे ऊपर, तो बड़ा सा पत्थर गिरा था मेरी नहीं फटी इतनी जितनी तेरी फट रही है, फेंका तूने था वो, ठीक है क्या लैंडस्लाइड हो रहा था गाइस ऊपर से। मैं बोल रहा था उससे बड़ा वाला मत फेंकियो, बड़ा वाला मत फेंकियो। अब मुझे क्या होता बड़ा वाला छोटा वाला, साला उस पे पैर मार के ऊपर जा रहा है चूतिया। जिसके आने से मुकम्मल हो गई जिंदगी, तेरी तेरा पेंट कैसा हो गया। ये ले सब तुम्हारी वजह से हुआ है गाइस, पूरा आज का कवारा हो गया मेरा गाइस, लिटरली यार आज मरते मरते बचा। मतलब देख रहे हो ना पहाड़ के जो कुछ तो स्टोन होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, वो मतलब ऐसे पिघलते नहीं है, मतलब टूटते नहीं है, पर जहाँ हम जिधर से हम लोग चढ़ के जा रहे थे गाइस, उसका जो ये था ना मतलब टूट रहा था ऐसे, आप पूछो मत क्या खतरनाक टूट रहा था। और हम लोग के शूज भी ट्रैकिंग वाले नहीं थे, मेरे ऊपर गिरा था वो बड़ा वाला। हाँ और ये सारा चूतिया मेरे नीचे था, जस्ट नीचे, मतलब मैं चढ़ रहा था तो मेरे ऊपर से वो मेरे पाँव से स्लाइड होके इसके ऊपर गिर रहा था, बच गया, किस्मत अच्छी थी इसकी। मैं चूतिया हाथ से रोका मैंने उसे। सो ऐसी रिस्क आप कभी मत लेना, मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो आपके पास ट्रैकिंग व्रैकिंग से रिलेटेड तो यार सेफ ही रहो। अगर ऐसे चूतिया दोस्त हो, टॉक्सिक दोस्त हो आपके साथ, तो यार ये तो बिल्कुल अवॉइड कर देना पूरा। ये वाला पत्थर देख रहा है तू, ये भाई गलती से भी लैंडस्लाइड हुआ ना दब जाएंगे इसके नीचे। छोड़ो गाइस व्यूज देखो यहाँ, लुक एट द व्यू मैन। गाइस मुझे अभी अभी पता चला है, मतलब यहाँ जो लोकल लोग रहते हैं मतलब वो शायद काम वूम करते हैं नीचे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे देख के जाना लैंडस्लाइड हो रही है यहाँ पे, और मैंने इसको बोला था कि भाई मत जा ऊपर, लैंडस्लाइड काफ़ी तगड़ा हो रही है, तो पत्थर ध्यान से देख के जाना है, ऊपर से पत्थर लुढ़कते आ जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना गाइस, लैंडस्लाइड पहाड़ों में ये नेचुरल है, कॉमन है, बस आपको क्या है आपको देख के जाना रहता है ऊपर। सो होप करता हूँ कि ये ब्लॉग आप इंजॉय कर रहे होंगे, तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते क्या है। गाइस हम लोग जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ का व्यू काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता जा रहा है। लाइक ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप लोग, हाँ मुझे पता है, तो आप लोग यहाँ का व्यू देखो, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, यहाँ से देखो ये व्यू देखो, आ रहा हूँ भाई। और यहाँ से एक छोटी सी मतलब वाटर क्रॉसिंग है, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आप लोग इसको बोल सकते हो, वैसे लद्दाख में क्या होती है बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग होती है, पर यहाँ से छोटी सी है, पर ये छोटी सी कब बड़ी हो जाए पता नहीं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश होती है और अचानक से बाढ़ आ जाता है। सो हमें ये भी देख के चलना है एंड पत्थर देख के जाना है भाई, गलती से भी अगर पत्थर आ गया ना तो लग जाएंगे फिर। और हम लोगों ने प्लान किया वहाँ जाने का, वहाँ वो जो है ना वो मतलब मुझे लगता है वो टॉप है इस पहाड़ी का, तो हम लोग उस साइड जाएंगे एंड उस साइड का देखते हैं क्या है। बाकी सब चीज़ गाइस नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे काम वगैरह होती है, हमारे पास पता है हीलिंग वीलिंग के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अगर चोट भी लगती है तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे किसी घर से लूट कर लेंगे ना वो उसका बैंडेज वगैरह का। हाँ साले पबजी में घुसे पड़े हो तो एक छोटा सा देखो वो है, उसमें से लूटना, बैंडेज वैंडेज मिल जाएगा, एटीएम मिलेगी अगर साले पबजी में घुसा पड़ा है भाई, रियल लाइफ अलग होता है। तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना तो खाने के लिए कुछ है, भूख भी लग रही है, और ना ही तो हीलिंग वीलिंग के लिए कुछ है, मतलब समझ रहे हो ना, अगर कुछ पत्थर उत्थर थोड़ी सी भी चोट वोट लगती है तो फर्स्ट एड किट तो है ही नहीं, और ट्रैकिंग के लिए पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, पर जो भी हो ठीक ठाक लग रहा है, मज़ा आ रहा है थोड़ी बहुत।
फ्रंट की है 20 किलोमीटर का भाई। देखो वो देख नदी देख कितनी सेफ्टी लग रही है भाई। मतलब गाइस यहाँ का व्यूज देखो, ये पता है ये पहाड़ कभी ख़त्म नहीं होगा। एक मैंने एक मतलब देखा था कहीं पे, क्योंकि आप एक पे मतलब एक पे चढ़ जाते हो तो फिर दूसरा वहाँ से ऊपर स्टार्ट होता है, फिर दूसरे पे चढ़ जाते तीसरा स्टार्ट होता है ऊपर से, ऐसे ऐसे करके मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होता गाइस। क्या होता है ना, ये हमारे लाइफ के साथ भी होता है। मतलब हम सोचते हैं कि अब हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पढ़ाई वढ़ाई का जो चीज़ होता है वो ख़त्म हो गया एक टाइम के आने के बाद, पर वो सब चीज़ एक छलावा होता है गाइस। वो सब चीज़ हम बस ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। मतलब हम जैसे ही एक लेवल ख़त्म करते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना आगे बढ़ जाता है। मतलब एक लेवल ख़त्म होते ही दूसरा लेवल स्टार्ट होता है, दूसरा ख़त्म होते ही तीसरा स्टार्ट होता है, तो वैसे वैसे करके स्टार्ट होता रहता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, और एक दिन हम समझ रहे हो ना लास्ट में क्या होता है हमारे साथ। दुनिया का सबसे बड़ा सच एक ही होता है जो सबको पता है, इन्जॉय करो, मस्ती में जियो, खूब अच्छे से जियो बिना किसी ऐसे टेंशन वगैरह के। अभी ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, मैं जितना ऊपर जाऊँगा उतना ज़्यादा ऊपर से ये पहाड़ के व्यू उतना अच्छा दिखेगा। तो वैसे भी ऊपर काम चल रहा है तो लैंडस्लाइड वगैरह मतलब समझ रहे हो ना, पत्थर नीचे आते रहते हैं, तो यहीं से ठीक है। मैं यहाँ पे ठंडा बहुत है थोड़े बहुत, और काफ़ी सही लोकेशन है यहाँ पे, डी डी आ रही है। तो अभी क्या कर रहा हूँ ना, यहीं पे एंड करता हूँ ब्लॉग को, फिर अब नेक्स्ट रहते देखते हैं कहाँ पे जॉगिंग या फिर रनिंग स्प्रिंट रहता है, तो उस हिसाब से ब्लॉग बनाएंगे। बाकी ये पूरा सप्ताह तो फिर ट्रेनिंग और काम में चली जाती है, बस टाइम मिलता है सैटरडे को जिस दिन हम फ्री होते हैं तो उस दिन ब्लॉग शूट कर लेते हैं। वैसे ब्लॉग सब आती रहेंगी कंटिन्यू, और यार भाई को सपोर्ट करो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना थोड़े बहुत कि सपोर्ट करो। तो अभी 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 क्या अभी स्टेटस में डालो ये वीडियो को, नहीं तो भूल जाओगे आप डालना। अभी एक काम करो, शेयर बटन पर क्लिक करो, उसको व्हाट्सएप पर पिन करो, मतलब पिन ऐसे स्टेटस पर जाके क्लिक करो और उसमें डालो, हर कोई डालो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये ब्लॉग डाल रहा है भाई, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो। चलो ठीक है, बाय।